गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज योर पवन सर। आई वेलकम यू ऑल इन कविया फाउंडेशन रांची। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक टुडे? आई एम प्रेजेंटिंग अ सैंपल वीडियो ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंटरव्यू। व्हाट हैपेंस व्हेन एवर यू गो टू फेस एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, एट द सेम टाइम दे आर गोइंग टू आस्क मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू judge your confidence, to judge your power, to judge your capability. So how you can reply those questions? I'll be teaching you some etiquettes, I'll be teaching you some manners, I'll be teaching you to reply all the answers that are going to be arised by them. So let's see, start karte hain aaj ka video. इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियो को देख कर ही इस वीडियो को आप देखें। ऐसा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। आई हैड टॉक्ड अबाउट सम रूल दैट कैन हेल्प यू लॉट टू प्रिपेयर योर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। आज के क्लास में मैं आपको एक सैंपल देने वाला हूँ कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आपके रिप्लाई कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक साइड पे क्या रखा है, आपका इंटरव्यूअर रखा है। एक साइड पे कौन है? तो एक साइड पे आपका यहां पर इंटरव्यूअर है। दूसरे साइड में मैंने गर्ल का एग्जांपल लिया, चेतना, हु इज गोइंग टू अपीयर एट द इंटरव्यू। सो आई विल बी ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस बिटवीन इंटरव्यूअर एंड चेतना। दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई, दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उसके विषय में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। देखिए, इंटरव्यूअर ने क्या कहा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। किससे पूछा? चेतना से पूछा। अब जो बेसिक एटिकेट है, जो बेसिक जो मैनर्स जो है इंटरव्यू फेस करने के, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे आपको एंटर होना है, एंटर होने के बाद आपने क्या करना है, सभी चीजों को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो पहले उन वीडियो को आप देख लें। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अदरवाइज जो पूछेंगे डिफाइन योरसेल्फ, या फिर बोलेंगे वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड, अदरवाइज He'll ask like this, take us through your resume. Resume जानते होंगे, resume जो होता है, यानी कि एक biodata होता है, इसमें हम personal क्या करते हैं, अपना biological data देते हैं, जो minimum एक पेज का होता है, जिसमें हम educational qualifications वगैरह देते हैं, that is called biological data. In short, you can say biodata. Resume एक से तीन पेज का होता है, जिसमें क्या है कि आप अपने थोड़े से पास्ट एक्सपीरियंस, जिन कंपनी में भी काम किया उसको आप वहां पे ऐड करते हैं, अपने विषय में डिटेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिज्यूमे। एक होता सीवी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, करिकुलम विटाए कहते हैं। इसमें क्या है कि आप अपना डिटेल तो देते ही, साथ ही साथ जो भी प्रीवियस कंपनीज में आपने काम किए हैं, अपने बहुत सारे कंपनी को ड्रॉप किए हैं, आपके पास एक लंबा सा एक्सपीरियंस है, तो यू शुड राइट सीवी, दैट इज कॉल्ड करिकुलम विटाए। अब ये तकरीबन 3 पेज से लेकर 15 पेज तक लोग लिखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे चेतना का जवाब है, मान के चलिए चेतना के जगह पे आप खुद को भी रख सकते हैं। यू कैन पुट योर सेल्फ एट द प्लेस ऑफ चेतना एंड यू कैन रिप्लाई लाइक दिस, हेलो आई एम चेतना। आप यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा। आपको इंटरव्यूअर ने क्या पूछा कि अपने विषय में आप कुछ बताओ, तो आपने क्या बोलना, हेलो आई एम चेतना, जैसे मैं पवन हूं, मैं बोलूंगा हेलो आई एम पवन, आई हैव बीन वर्किंग एज जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आपने क्या कहना है कि मैं 10 साल से किसमें काम कर रहा था, जूनियर क्या है आपका मैनेजर, इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड। आप किसी और जगह काम कर रहे थे, हो सकता है यू मस्ट बी वर्किंग इन स्कूल, देन यू कैन मेंशन, यू कैन चेंज दिस एक्सपीरियंस ईयर, आप इसको भी बदल सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हमने अपना बीटेक किया है, कहां से किया है, तो लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से किया है। और क्या किया है, तो बीटेक किया है, किस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आपके पास मे बी कुछ और डिग्री होगा तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बोल रहा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग अप टू 12th. हमने क्या है, 12th जो स्कूलिंग कंप्लीट की है, कहां से, तो DAB पब्लिक स्कूल से, देवघर से। आई हैव लर्न्ड बेसिक कोडिंग टू, हमने क्या है कि थोड़ा मोड़ा हमने कोडिंग भी सीख रखी है। कोडिंग, यू नो, पता है आपको कोडिंग क्या होता है,
कोई भी ऐप बनाते हैं तो वहाँ पे कोडिंग लगता है, कई सारे वेबसाइट्स जब बनते हैं तो कोडिंग इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, दिस इज समथिंग यू कैन मेंशन, कोडिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ दी सेवा यू कैन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कोडिंग, आप लोग जानते होंगे थोड़ा मोड़ा, नहीं तो सर्च कीजिएगा गूगल पे, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, आपने जवाब दे दिया, मैंने बोल दिया था बहुत ही पोलाइटली हम जवाब देंगे, इत्मीनान से जवाब देंगे, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। सारी बातें मैंने बताई है पिछली वीडियो में, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, ये टाइटल है, आप गूगल में सर्च कीजिए या तो यूट्यूब में सर्च कीजिए, बाय कविया फाउंडेशन लगा दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डलवा दूंगा। अब क्या है, इंटरव्यूअर फिर से सवाल पूछे, क्या पूछेगा आपसे, What are your achievements in your previous company? यानी कि जहाँ पिछली कंपनी में आप काम कर रहे थे उस कंपनी में आपकी क्या अचीवमेंट थी, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। I have consulted one of my friend who is working in Hyderabad and he told me that such kind of questions are being arised. मैं कोई बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आप, मैंने एक दो दोस्त से बात की हु इज ऑलरेडी बीन इन एमएनसी फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे वर्किंग देयर, दे शेयर्ड विद एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस आई हैव क्रिएटेड दिस वन। सो व्हाट हैपेंस यू कैन, चेतना अब क्या जवाब देना, चेतना को इस जगह आप भी अपने आप को रख सकते हैं। तो चेतना क्या कर रही है भाई साहब, जवाब दे रही, चेतना क्या बोल रही है कि सर I have joined the company as a consultant initially. हमने क्या है कंपनी में ज्वाइन किया, कंसल्टेंट एक छोटा सा रूप होता पता हो कंसल्टेंट। Later, I got two promotions. बाद में मेरी कामों को देखते हुए क्या हो गया, मुझे दो promotions मिले due to my sincerity and hardworking. मेरी sincerity को देखते हुए, hardworking को देखते हुए, ऐसा बोलना है आपको, ऐसे होता ही है। कोई भी इंसान अगर मेहनती हो तो सबसे नीचे वाले लेवल पे वो ज्वाइन करता है, धीरे धीरे उसका लेवल अप लेवल अप लेवल अप होता ही जाता है, हाँ ना, जल्दी बताइएगा। सो दिस वे यू कैन से दैट ही ज्वाइंड एंड ही डिड इट। आगे क्या बोल रहा है कि आई हैव ऑल्सो won the award of the best employee of the year many times. ये क्या बोल रही है कि हमने अवार्ड भी जीते हैं। अवार्ड किस चीज के जीते हैं, द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मुझे अवार्ड मिल चुका है कितनी बार तो मेनी टाइम्स, बहुत बार ये अवार्ड क्या है मिल चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोला फिर से, इंटरव्यूअर जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक बार इंटरव्यूअर सवाल पूछेंगे, कई बार उनका पैनल होता, बात को ध्यान समझिएगा, कई बार क्या होता पैनल होता है जहां पर क्या है लोग बैठते हैं, कई बार पैनल में क्या एक से ज्यादा लोग आपको वहां पे बैठे हुए पाए जाते हैं, सबने क्वेश्चन पूछना, एक ने खत्म करना है, दूसरे ने पूछना है, तीसरे ने पूछना है, आपको सबको आंसर करना है और किसी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, सबकी ओर ध्यान देना। मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो मैंने सारी बातें बताई है, अगर ज्यादा मैं रिपीट करूंगा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी एंड दैट यू डोंट वॉन्ट माई डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स कम बैक हियर एंड व्हाट्स हैपेंस हियर नेक्स्ट, क्या किया इंटरव्यूअर ने, फिर से सवाल पूछा, क्या पूछा आपसे कि व्हाई डिड डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर। अब भैया आपका सब कुछ अच्छा था तो उस कंपनी को क्यों छोड़े आप, क्वेश्चन बनता है, कितना जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे प्रमोशंस मिला, मुझे स्टूडेंट के स्टूडेंट बोलते हैं, बेस्ट इंप्लॉय का अवार्ड हमने जीता वहां पे, तो फिर भी आप कंपनी को क्यों आप ड्रॉप करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ड्रॉप दैट कंपनी पर्टिकुलर कंपनी। तो आपने क्या करना है सर, फिर से जवाब देना, क्या देना है कि आई एम वेरी मच डिलाइटेड, मैं बहुत ज्यादा क्या हूं खुश हूं बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको देख के मैं बहुत खुश हूं, द कंपनी हैज सीमेंटेड अ बिलियन ट्रस्ट थ्रू आउट द ईयर, आपकी कंपनी ने क्या है विश्वास दिखाया है, मैं अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, आपकी कंपनी उनमें से एक है जिन्होंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट की को सीमेंट किया, मतलब बनाया है, लोगों को जोड़ा है, ट्रस्ट को जीता है। I क्या है have listened to the mouth advertisement of its product and क्या है services many times। ये कितना अच्छा बात इन्होंने बोला कि सर मैं आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी में इसलिए काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ क्योंकि आपके प्रोडक्ट के विषय में हमने लोगों से ना माउथ एडवर्टीजमेंट सुने हैं, लोगों ने प्रशंसा किया। एक होता एड लगा के पोस्टर लगा दिया एडवर्टीजमेंट में, हमारी कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, है ना, तो ये होता अलग बात। जैसे क्या है कोई नेता लोग करते हैं, इस बारिश की सरकार है कि नहीं, लोग बोलते हैं कि तो एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, कोई काम से बोलता है, जैसे नितिन गडकरी जी उनका काम बोलता है, नितिन गडकरी जी हमेशा बोल देते हैं कि भैया मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, नहीं काम किया तो वोट मत दो, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस में आइडियल भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने माउथ एडवर्टीजमेंट सुना है, आगे देखिएगा ध्यान से क्या बोलना चाहता है, इट वुड बी माई प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, ये मेरी खुशी होगी सर,
ये मेरी क्या होगी, खुशी होगी कि मैं आपकी कंपनी में क्या करूंगी, काम करूंगी या तो फिर करूंगा। यहाँ पे चेतना है इसलिए करूंगी हमने बोला। अगर यहाँ पे चेतन होगा है ना आपका दोस्त, तो आप गा बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज को फॉलो कीजिए, बहुत मजा आता है। इंटरव्यू में कोई बड़ी चीज नहीं, हम लोग डर जाते हैं। इंटरव्यू इज नॉट जस्ट ऑन द बेसिक ऑफ नॉलेज दैट यू हैव, दे सिंपली वॉन्ट द बेस्ट इंप्लॉय, दे वॉन्ट द इंप्लॉय हु कैन टेक हिज और हर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। वो उनको यही चाहते हैं कि जो इंप्लॉय को हम कैंडिडेट करें, सॉरी सेलेक्ट करें, फिगर आउट, जिनको फिगर आउट नहीं बोलेंगे, जिनको हम क्या है सेलेक्ट करने वाले हैं, वो क्या हमारी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकता है कि नहीं, येस और नो, कंपनी बस यही चाहती है। बस समझ गए, इसलिए आपसे बात करना इंपॉर्टेंट है। आप क्या है कितना भी तेज हो, जब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को हम कैसे एज्यूम कर पाएंगे, आपको कैसे जज कर पाएंगे कि आप मेरी कंपनी के लिए बस बेस्ट है। इसलिए मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट जॉब। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन, अब लोग अकबका जाते हैं, सब इतना क्वेश्चन पूछा, पता नहीं ये मेरी कंपनी में लेगा कि नहीं, इंक्वायरी कर रहा। अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछता भैया, वो आपसे इंटरेस्टेड है इसलिए पूछता है। मैंने कल भी बताया था कि अगर कहीं पे आप रिश्ता देखने जाते हैं, अगर ज्यादा क्वेश्चन लड़के से पूछो, लड़की से पूछो, इसका मतलब क्या कि आप उसके विषय में जानने के लिए ज्यादा इच्छुक है, यानी कि आपकी रिश्ता वहां पे जोड़ना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे क्या, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव योर प्रेजेंट जॉब, अपना फिलहाल का जो भी जॉब है उसको आप छोड़ना क्यों चाहते हैं। तो देखिए क्या है, बोला सर आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई प्रीवियस जॉब। कई लोग ना निंदा करते हैं, गलत बात है, सब जानते हैं पिछली वाली कंपनी अच्छी नहीं थी सर, वहाँ पे इंप्लॉय को हटा देता था, उसका प्रोडक्ट अच्छा, गलत बात है। अगर चुगली करेंगे तो आगे वाला आदमी समझ जाएगा कि ये चुगली कर रहा है, ये फालतू आदमी है ना। तो इसलिए क्या चुगली नहीं करना है, आपने क्या कहना है कि आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई प्रीवियस कंपनी, आई हैव लर्न्ड न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोर टू, मैंने नई चीजों को सीखा है, कंपनी को हमने एक्सप्लोर किया है, बट आई हैव टू स्टे विद माई फैमिली नाउ, दे नीड मी बैडली। लेकिन क्या है सर, मैं पहले बाहर में था, मुंबई में काम करता था, अभी मेरी फैमिली को बहुत ही ज्यादा क्या है मेरा नीड है, तो आई एम स्टेइंग विद माई फैमिली। आगे चलिए बात करते हैं, वाई शुड वी हायर यू, ये बहुत जेन्युइन सा सवाल है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन दे आस्क मेनी टाइम्स, ऑलराइट व्हाई शुड आई हायर यू, आपको क्यों ले भैया, बाहर में तो 100 लोग खड़े हैं, उनको क्यों नहीं लूं मैं, कि कारण बताइए। तो यहाँ पे लोग ना क्या है ये हो जाते हैं, आपको मैं पूछ दूंगा आप ही को कंपनी में क्यों ले, सर ले लीजिए ना सर, घर का तबीयत परिस्थिति ठीक नहीं है सर, मम्मी का तबीयत, अरे भैया गिड़गिड़ाना नहीं है, आपने जवाब देना कॉन्फिडेंट के साथ, क्या बोलना, देखिए बोला सर आई फील दैट द कंपनी नीड्स अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हु अंडरस्टैंड द कंपनी इट्स प्रोडक्ट एंड कैश सर्विसेस डीपली। जेन्युइन जवाब उनको देना, तन के जवाब देना कॉन्फिडेंट के साथ, लेकिन पोलाइट होना चाहिए, आपकी पोलाइटनेस आपकी आवाज में होनी चाहिए। सर मुझे लगता है कि कंपनी क्या है वेल क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा आदमी को चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांग रही है, जो क्या है कंपनी को और इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बहुत अच्छी तरह से समझती है, ऐसे कैंडिडेट की तलाश है कंपनी को, हु कैन टेक द कंपनी टू इट्स ओरिजिनल हाइट, ऐसी क्या है लोगों की तलाश है जो कंपनी को क्या है उस नेक्स्ट लेवल तक, उस हाइट तक, ओरिजिनल हाइट तक पहुंचा सके। टच वुड आई हैव ऑल दिस क्वालिटी विद इन मी, मुझे क्या है देखिए कितना मस्त बोला, टच वुड किसी के नजर ना लगे, लेकिन वो सभी क्वालिटीज मुझ में है सर जो आप ढूंढ रहे हैं, जो कंपनी को चाहिए। कितना सुंदर सा जवाब दिया, हाथ पैर नहीं जोड़ना है, गिड़गिड़ा नहीं सर रख लीजिए, ऐसा नहीं होता माय डियर, दुनिया में इमोशन की कोई जगह नहीं है। चलिए देखिए आगे का सवाल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोला है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स। ये भी बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि अगले 5 साल में, अगले 5 ईयर्स में अपने आप को आप कहां देखते हैं, यानी कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं अगले 5 साल में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा जवाब एक देना है, देखिए मैंने जवाब क्रिएट किया, आंसर क्रिएट किया है, लेकिन आप याद रखिए हूबहू नहीं बोलना है, आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, यू हैव योर ओन इंग्लिश, यू हैव योर ओन स्टेमिना, योर ओन स्पीकिंग पावर, सो डेवलप सम स्मॉल सेंटेंसेस,
some good sentences, some in very powerful sentences that can just mesmerize your speaking. All right? तो यहाँ पे क्या बोला हमने सर, I'm very ambitious in my life. मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा महत्वाकांक्षी हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ जिंदगी में. Today I'm a junior project manager. आज मैं कौन हूँ? एक जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूं. बट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई स्किल्स कंटिन्यूअसली. लेकिन मैं अपना जो स्किल्स है उस पर कंटिन्यूअसली फोकस करना चाहता हूं. जो भी मेरा स्किल है उस पर फोकस करना चाहता हूं या चाहती हूं. आई सी माई सेल्फ एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर लेटर. क्या है? 5 years. जस्ट 5 साल के बाद मैं अपने आप को क्या देखना चाहता हूं? तो सीनियर क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में. बस समझे, 5 साल में जूनियर नहीं, जूनियर से सीधा सीनियर हम बनेंगे. ये अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई, देखो बंदा कॉन्फिडेंस है अपने आप में, है कि नहीं. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. ये सवाल में बहुत लोग फंस जाते हैं, मोह माया वाला सवाल. व्हाट इज योर वीकनेस? आपकी कमजोरी क्या है? सर हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी है. कई लोग तो ये भी बोल देते हैं. ऐसे नहीं बोलना है. वीकनेस ऐसा बताइए कि वो स्ट्रेंथ लगे. क्योंकि दुनिया में कोई भी आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है. कोई भी आपको कमजोरी देखकर आपको दबाना चाहता, आपको क्रश करना चाहता है. तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? आपने कहना है सर आई ट्रस्ट द पीपल वेरी इजिली. दिस हैबिट समटाइम्स गिव मी अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स और टीचेस मी अ ग्रेट लेसन. इफ क्या है? चीट. Which क्या है? Also helps me to क्या है? Improve myself. कितना सुंदर सा जवाब. हालांकि पूछा गया था weakness, लेकिन उन्होंने बता दिया strength. देखिए कितना मजेदार जवाब. उन्होंने कहा कि सर मुझे लोगों पे विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है और क्या ये मुझे बहुत ज्यादा क्या benefit करता है लोगों को समझने में. And क्या teaches me a great lesson. और कभी कभी तो हमें बहुत सा सीखने को मिलता है अगर मुझे क्या हो जाता है, चीट कर लेता है. वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा सा कहावत है कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा, बात समझे, लोग कहता है कि बादाम खाओ तो अकल आ जाएगी, लेकिन कई अच्छे लोग कहते हैं कि धोखा खाने से भी अकल आती है. और ये आपके आज के इस इंटरव्यू सेशन के अंतिम सवाल हैं जो आपके क्या लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सवाल क्या है? बोलो है कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप कितनी सैलरी चाहते हो? तो यहाँ पे चेतना ने जवाब दिया सर आई हैव अ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. मेरे पास क्या है? कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है 3 साल का एज अ जूनियर मैनेजर. जूनियर मैनेजर के रूप में मैंने काम किया है. गोइंग थ्रू माई एक्सपीरियंस एंड माई प्रीवियस सैलरी, पिछला एक्सपीरियंस देखने के साथ सैलरी देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, कह सकती हूँ कि आई एक्सपेक्ट 5 to 7 lakh पर एनम. मुझे 5 से 7 lakh महीने चाहिए. आप ना डबल बोलेंगे, जितना आपको चाहिए उसका डबल बोलिए आप, तब कंपनी आपको नीचे रखती है. ठीक है? तो दीज आर सम यूजफुल what should I say, tricks and techniques you can say. Secondly, I have given a sample video here. तो ये क्या है? वीडियो आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए. And I hope that you have learned many things from here. We'll see you tomorrow. I'll catch you tomorrow with a new video. So bye-bye, take care of yourself. Thank you for giving your business time. I'll see you. Bye-bye. Jai Hind.